मैं आपको अपने चैनल में रिएक्शन को खुशामदीद करता हूँ। मैं हूँ मियां जी पंजाब पाकिस्तान से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मजे की और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको, स्पेशली ई हाईवे को। हाईवे जैसा कि आपको पता ही होता है, एक रोड की तरह ही होता है। इसका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी पे ट्रैवल किया जाए और एज सुन एज पॉसिबल किया जाए, जितनी जल्दी भी हो सकता है वहाँ पर पहुँचा जाए। खुले खुले रोड होते हैं, यहाँ पे छोटी ट्रैफिक को जो है इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं होती। तो बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जिसे हम कहते हैं, या नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो इस पर चलती है। स्पेशली कार वगैरह, टुक टुक नहीं यहाँ जा सकता। इसके अलावा बाइक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में, और बहुत जल्दी जो है बंदा इसके थ्रू पहुंच सकता है। तो इंडिया के अंदर ई हाईवे का आगाज़ हो रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनका टाइम कम करने में, जो उनका स्पोर्ट का काम होता है, स्पेशली ट्रक्स वगैरह जो जाते हैं उसके ऊपर। तो ये आज की कंप्लीट वीडियो ई हाईवे के ऊपर है। हम देखेंगे कि ये ई हाईवे जो इंडिया में बनाया गया है ये किस तरह का है, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या हिसाब का वहाँ चल रहा है। तो कंप्लीट वीडियो उसके बारे में वीडियो में जुड़ी रहेगा, वीडियो का अंतर लाजमी देखेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो अभी वीडियो के अंदर चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं। सो गाइस, लेट्स प्ले द वीडियो। अब नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम जुड़ गया है। ये एक अनूठी परियोजना है जिसके साथ इलेक्ट्रिक हाईवे बनना भी प्रस्तावित है। गुरुग्राम से होकर गुजरने वाले 1250 किलोमीटर लंबे ग्रीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अब हर हाल में 3 साल यानी 2023 से 2024 के बीच पूरा हो जाएगा। जबरदस्त। मुंबई का सफर आप एक नए चमचमाते एक्सप्रेस वे के जरिए कर पाएंगे। ये हाईवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली और मुंबई की 1450 किलोमीटर की मौजूदा दूरी 1250 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी। एक्सप्रेस वे देश के कई शहरों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, मेवात, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, दहिसर और मुंबई शामिल हैं। इस एक्सप्रेस वे पर 10 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। 50 किलोमीटर के अंतराल पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था के साथ ही सोलर प्लांट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे के किनारे शहर, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर भी बसाए जाएंगे। इस रूट पर वाहन सुरक्षित चल सके इसके लिए एक्सप्रेस वे को 8 लेन का बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बनने पर एक ट्रक जो 1 महीने में दिल्ली मुंबई के बीच 6 या 7 चक्कर लगा पाता है, 11 से 12 चक्कर लगा सकेगा। वर्तमान में देश के कारों का 15% हिस्सा दिल्ली मुंबई हाईवे के जरिए पहुंचाया जाता है और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होना तय। अन्य देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है। फिलहाल एक दिन में ट्रक औसतन 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जो बढ़कर 400 किलोमीटर हो जाएगी। 21वीं सदी के भारत में ट्रक्स और बसेस इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे, इलेक्ट्रिक ईंधन से ही अन्य व्हीकल्स चलेंगे। इससे लागत में कमी आएगी, इसलिए हमारे देश में भी हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में बदलने की योजना।
जी तो जनाब, ये वीडियो जो आपने देखी ई हाईवे के बारे में, बेसिकली ई हाईवे इसको इसलिए नाम दिया गया है कि ई से इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो मुखफ उसने साथ जोड़ा, ई हाईवे इसलिए इसको बोला गया। जैसा कि उन्होंने मिसाल दी यूरोप में, जर्मनी में और भी मुल्कों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रक्स जो हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी में सफ़र करते हैं, पोल्यूशन को सेव करते हैं। इसका भी बेसिक मकसद इन्होंने यही रखा है, कोर जो इसका की पॉइंट है वो यही है कि जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रक्स को ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पे हाईवे के ऊपर वैसे तो तार लगाए जाते हैं, यहाँ पे ज़मीन मतलब रोड के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो इस तरह का निज़ाम बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर ट्रक जो है इजीली सफर कर सके। इसका बेसिक मकसद दो चीज़ें ही हैं, एक तो ये है कि पेट्रोल को ज़ाया करना और पैसों को बचाना, दूसरा ये है कि जो है दूसरा ये है कि पोल्यूशन को बचाना, अपने मुल्क को पोल्यूशन से बचाना है इसका मकसद। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वहाँ पे सफ़र करना है और जो है पेट्रोल वगैरह ईंधन वगैरह को बचाना ताकि वो ज़ाया ना हो और पैसों को भी जो है उसकी भी सेविंग हो सके। और इसके लिए जो है वो बता रहे हैं जी ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा गया, मुख्य प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि जो है पोल्यूशन को, वो आपको पता ही है ग्रीनरी है जो उससे कम हो जाती है, तो इसलिए उसका भी जो है बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह वो रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि, और मुख्तलिफ सकाफत का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि ये नहीं है कि जो इलाका उधर का टेस्ट मिल रहा है बाकी भी दूसरे इलाकों का भी टेस्ट उसको वहाँ मिले, उसको ये लगे ही ना कि मैं मतलब कि अपने शहर से बाहर हूँ या अपने मुल्क से बाहर हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको नाम दिया गया है दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर। तो ये मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, 1250 किलोमीटर का सफ़र हुआ करेगा और तेज़ी से सफ़र होगा। अभी भी होता है 1450 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, तो उसमें ये है कि वो कोई सहरा इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई पथरीला इलाका है, कोई कैसा इलाका है, तो जाना ना मुश्किल हो जाता है। इससे ये है कि वन वे रोड होगा, बड़े बड़े रोड होंगे, उन्होंने बताया कि 8 ट्रैक पर मुश्तमिल ये रोड होगा जिसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा, इसलिए जा सकता है। जो एक ट्रक जो है वो 6 से 7 चक्कर एक महीने के अंदर लगाता है एक्सपोर्ट के काम में, वही जो है डबल हो जाएगा, 12 से 14 चक्कर आराम से इजीली लगा सकेगा। इंडिया के अंदर ये एक लगने जाने वाला बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो वीडियो तो यार मेरी ज़बरदस्ती 2023 या 2024 में कह रहे हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा, 3 साल का अर्सा इसमें रह गया है। तो अभी काम इस पर बहुत तेज़ी से जारी है और इसको देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्या सीन होता है। तो वीडियो मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साल आगे बेल आइकन पे क्लिक कर देना, लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ मियाँ जी को ज़्यादा देखने नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।